नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पीएम किसान योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, करोड़ों किसानों पर होगा सीधा असर। अगर आपने भी केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, पिछले दिनों सरकार की तरफ से इस योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का असर सीधे योजना के लाभार्थियों पर होगा। पीएम किसान की 13वीं किस्त का फायदा देश के 8.43 करोड़ किसानों को मिला था। अब सरकार 14वीं किस्त के पैसों को जल्दी किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करने वाली है, लेकिन सरकार ने इस किस्त को जारी करने से पहले कुछ बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान सम्मान योजना में लाभार्थी का स्टेटस देखने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से पीएम किसान को मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया गया है। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस देखने का तरीका भी बदल गया है। अब यदि आप बेनिफिशियरी स्टेटस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत रहेगी। फर्जीवाड़ा रोकने और ई KYC पूरा कराने की मकसद से कृषि मंत्रालय ने पिछले दिनों पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन से eKYC पूरा किया जा सकेगा। इस तरह eKYC कराने पर आपको वन टाइम पासवर्ड, OTP और फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरी तरफ सरकार पहले ही 13 किस्त जारी कर चुकी है, लेकिन 14वीं किस्त को लेकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार 15 जुलाई तक पीएम किसान निधि की 14वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि सरकार या कृषि मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।